हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टॉप सर में। दोस्तों आज जो है हम गोधली जो है जो आपके लिए पांचवा चैप्टर है वो लाए हुए हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो है नगरी लिपि जो है ये निबंध है। इस पाठ के लेखक जो है गुणाकर मूले हैं, जिनका जन्म हुआ था 1935 ईस्वी में महाराष्ट्र के अमरावती में। ठीक है, उन्होंने 2500 से अधिक लेख एवं 30 पुस्तकें का प्रकाशन किया है। साथ ही उनका निधन हो गया था 2009 में हुआ था। ठीक, उनकी प्रमुख रचनाएं थी जो कि इस प्रकार है, देख लीजिए, अक्षरों की कहानी, इतिहास और संस्कृति, प्राचीन भारत के महान वैज्ञानिक, आधुनिक भारत के महान वैज्ञानिक, मेंडलीफ महान वैज्ञानिक, सूर्य मंडल, सूर्य नक्षत्र इत्यादि इनकी प्रमुख रचनाएं थी। देखिए, दक्षिण भारत में नागरिक लिपि को नंदी लिपि कहा जाता है। विजयनगर के शासकों का लेख नंदी नागरी लिपि में ही मिलते हैं। अकबर के समय सिक्के में राम सीता का चित्र बनवाया कर सियाराम लिखवाया था। ठीक है, उत्तर भारत की लिपि को देवनागरी लिपि कहते हैं। 8वीं-9वीं सदी में देवनागरी लिपि प्रादेशिक लिपि बन गई थी। नागरी लिपि के आरंभ में लेख विंध्य पर्वत के नीचे ढक्कन प्रदेश से मिलता है। एलोरा में अनुपम कैलाश मंदिर को काट कर बनाया गया था। जैन गणित महाविराज आचार्य ने गणित सार संग्रह की रचना की थी। कर्नाटक प्रदेश का श्रवण बेलग्राम स्थान जैन धर्म का एक प्रमुख तीर्थकर स्थान था। अब देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है जो कि हम लोग देख लेते हैं। करीब दो सद यहाँ देवनागरी लिपि के अक्षरों में स्थिरता कैसे आई, तो क्वेश्चन हो गया, ये आंसर है। करीब दो सदी पहले इस लिपि के टाइप बने और इसमें पुस्तक छपने लगे, जिसके कारण इसके अक्षरों में स्थिरता आ गई। देवनागरी लिपि में कौन कौन सी भाषा बोली जाती है, तो इसका आंसर है देवनागरी लिपि में हिंदी, संस्कृत, मराठी, नेपाली इत्यादि भाषाएं बोली जाती हैं। लेखक ने किन भारतीय लिपि से देवनागरी का संबंध बताया है, तो लेखक ने बंगाली लिपि, नंदी लिपि, नागरी लिपि, ब्राह्मी लिपि इत्यादि से देवनागरी लिपि का संबंध बताया है। नागरी लिपि के आरंभ में लेख कहाँ प्राप्त हुए हैं, इनके वितरण दें, तो नागरी लिपि के आरंभ में लेख हमें विंध्य पर्वत के नीचे ढक्कन प्रदेश से मिलता है। नागरी लिपि को देवनागरी क्यों कहते हैं, इस लेख में के संबंध में क्या बताते हैं, आप बताइए। नागरी लिपि को देवनागरी लिपि कहने के पीछे लेखक के अनुसार कई कारण हैं। कुछ विद्वानों का मत है कि इस लिपि का प्रयोग सबसे पहले गुजरात के महानगर ब्राह्मणों ने किया है, इसलिए इसे देवनागरी लिपि कहते हैं। दूसरा, काशी के पंडित का मत है कि काशी देवों की भूमि है और सबसे पहले इस लिपि का प्रयोग काशी में हुआ है, इसलिए इसका नाम देवनागरी लिपि है। इसी प्रकार के कई मत देखने के लिए मिलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, नागरी लिपि कब तक सर्वदेशिक लिपि थी, तो नागरी लिपि 8वीं-9वीं सदी में सार्वजनिक लिपि थी, क्योंकि इस समय संपूर्ण देश में लगभग किस लिपि का प्रयोग हो रही है। गुर्जर प्रतिहारी कौन था, देखिए गुर्जर प्रतिहारी भारत के बाहर से आए थे, जो कि 8वीं सदी से पहले अवंती प्रदेश में अपना शासन खड़ा कर लिया था। बाद में उन्होंने कनौज यहाँ लिखा गया है, कनौज पर भी अधिकार जमा लिया था। इस तरह का वीडियो आपको चाहिए तो कमेंट में बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।